ओके, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ IIIT श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स और एंड ईथर्स का ये जो चैप्टर है। अगेन, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर के लिए इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर द रिएक्शंस कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली फाइन रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि सारे रिएक्शन नहीं पता, थोड़े बहुत भी अगर पता है तो बाकी हम कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ जीओसी, एंड थोड़े बहुत रिएक्शंस हम कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरीन्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में खत्म कर दिया था। ओके, तो अगेन आज हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, जिसमें पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिर सिंग टाइप वन के, मतलब जिसमें सिंगल टाइप करेक्ट है, फिर टाइप टू के जिसमें दो करेक्ट है, फिर है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप्स, मैचिंग टाइप्स, असर्शन रीजन और फिर से हमारे लॉन्ग आंसर टाइप। कुल मिला के 74 क्वेश्चंस है। तो आज का लेक्चर का एम है कि हम खत्म कर दे यहाँ तक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस टाइप टू तक, ठीक है। ओके, तो विद दैट सेट चलिए आज का वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टाउलिन इन सनलाइट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्वेस एनओएच यील्ड्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो टाउलिन क्या है। सबसे पहले टाउलिन इज नथिंग बट बेंजीन विथ CH3 रिंग्स ऑल ओवर इट। अब जब हम इस पे करते हैं मोनोक्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है कि जो एक हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। अब हमें बोला है हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं विद एक्वेस एनएओएच, तो क्या हो रहा है, जो ये वाला प्रोडक्ट है ना हमारे पास, इसको हम ले रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं एक्वेस एनएओएच, जो कि ये है। अब हमने पिछली बार देखा था, मतलब हैलो एल्कीन्स और हैलो एरीन्स में देखा था कि जब हमारे पास एक्वेस एनएओएच होता है तो जो ओएच है वो इसमें लग जाता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और जब हमारे पास एल्कोहलिक होता है तो एलिमिनेशन होता है, ठीक है। जनरली वो KOH यूज करते हैं, लेकिन NaOH और KOH सेम ही काम करता है, तो ये माइंड में रखना। तो बेसिकली क्या होगा, अब ये क्लोरीन OH रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को, जो कि ये वाला प्रोडक्ट देगा फिर हमें, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो इस वाले का नाम क्या है, ये होता है बेंजाइल अल्कोहल, है ना। दिस वन इज बेंजाइल अल्कोहल, और जो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी अल्कोहल्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। तो C4H10O है, ठीक है। अब कायरल जानने के लिए हमारे को एक चीज वो करना होगा कि द कार्बन मस्ट बी एसिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक कार्बन के जो चारों वैलेंसीज में ग्रुप अटैच्ड है वो सारे ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। और अगर वो सारे ग्रुप ऐसे अलग होंगे तो तब हम बोल देंगे कि ये कार्बन एसिमेट्रिक है, और इसी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है या वो कायरल हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये क्या होगा, ये ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला दिया है उन्होंने, दिस इज ब्यूटेनॉल, राइट। अब ब्यूटेनॉल के तीन पॉसिबल आइसोमर्स हैं, ओके, वो इससे लिख लेते हैं। ब्यूटेनॉल हैज थ्री पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है। पहला वाला आइसोमर क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, जो कि ये मतलब है, पहला वाला है ये, ठीक है। दूसरा वाला जो है हम देख सकते हैं वो होगा ये, कि ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाए। तीसरा वाला आपने अब तक गेस कर लिया होगा कि वो एक 3 डिग्री अल्कोहल हो जाए, राइट।
ओके, अब हमें बताना है कि इनमें से कायरल क्या है, मतलब इनमें से कार्बन एसिमेट्रिक कौन सा है। अगर हम ये कार्बन देखें, यहाँ एक एच लगा है, यहाँ एक एच लगा है, यहाँ पर एच 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 है, तो हम देख सकते हैं कि ये ग्रुप और ये ग्रुप तो अलग है, लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो कार्बन इज नॉट असिमेट्रिक। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यहां पर एक CH3 ग्रुप है, यहां पर एक H है, यहां पर एक C2H5 ग्रुप है, और यहां एक OH है, तो ये चारों ग्रुप अलग है ना, और क्योंकि ये चारों ग्रुप अलग हैं तो ये एसिमेट्रिक है। अब ये एसिमेट्रिक है तो ये कायरल है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें थर्ड वाले, उसमें ये थर्ड वाला है, ये एक CH3 ग्रुप है, ठीक है, ये एक CH3 ग्रुप है, ये एक CH3 ग्रुप है, लेकिन जो ये चीज है ये तो एक OH ग्रुप है, और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि क्योंकि सेम है तो ये नॉट एसिमेट्रिक तो नहीं है, मतलब ये नॉट कायरल है। ठीक है, और ये पहला वाला भी नॉट कायरल है, तो अब बता दो कि वो पूछ रहा है कितने कायरल इन नेचर है, सो देयर इज वन इन कायरल, वन जो कि कायरल है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर वन। ओके, लिख लेते ब्लैक कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि ROH को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो वो RCl देता है और H2O देता है, जो कि सही है, ये हमने डिस्कस करा था हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स में भी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, Cl का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है कि हाँ, यह जाता है थ्रू अ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन प्रोसेस, कार्बो कैटायन फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, अब वो कार्बो कैटायन जब फॉर्म हो जाता है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, कार्बो कैटायन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बो कैटायन कैसे जाता है, वो स्टेबिलिटी जाता है एज 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, अब जिस तरह स्टेबिलिटी जाता है उसी तरह रिएक्टिविटी भी जाता है, तो इस केस हमारा जो रिएक्टिविटी होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, यही चीज होगी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बेसिकली बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, और HCl और ZnCl को हम बेसिकली लूकस रिएजेंट भी बोलते हैं, बट ये एक रिएजेंट है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, नाम याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, तो फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है हमारे पास है एथेनॉल और हमें इसको बनाना है एथेनाल्डिहाइड तक, एथेनॉल बनाना है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा और ये कॉमन वो है कि हमारे पास होता है एक अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल अगर 1 डिग्री का हो तो ऑन ऑक्सीडेशन वो देता है मेरे को एल्डिहाइड, उसी तरह अल्कोहल अगर 2 डिग्री का हो और ऑन ऑक्सीडेशन देता है मेरे को कीटोन। अब कीटोन और एल्डिहाइड जो है जब ये क्या ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये देते हैं एसिड्स। ठीक है, तो कीटोन्स इन दी एंड एसिड, ऐसा प्रोसेस बना रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस देखना है कि जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो चार ऑप्शन में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब हमें ढूंढना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और इन चारों में से कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन रिडक्शन होता है, लंच LiAl H4 भी रिडक्शन होता है,
KMnO4 भी हमारा कायदे से वो होता है, एडिशन ऑफ OH होता है, ऑक्सीडेशन टाइप नहीं होता है, राइट? एक्वेस KMnO4 वाला हमने पढ़ा था। हम बचते हैं विद पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ओके, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। अब पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट को अगर हम देखें ठीक से, तो पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट इज बेसिकली C5H5NHCl, और N में प्लस है, और Cl और CrO3 इसमें माइनस है, ठीक है? अब ये जो है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन करवाएगा और हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड मिल जाएगा। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? नाउ अब हम बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन का। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमने पहले भी बहुत बार कर रखा है, मतलब इस मैकेनिज्म के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो पूछा ही नहीं क्या है। बेसिकली ये पूछ रहा है अल्काइल हैलाइड्स मतलब RCl को हमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल्स में, ROH में कन्वर्ट करना है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, या क्या होता है? अब हमने देख रखा था ये क्या जाता है, ये जनरली SN1 मैकेनिज्म से चलता है, विच इज कार्बोकैटायन, लेकिन वो जरूरी नहीं है। जरूरी है कि ये SN1 रिएक्शन से चलता है, मतलब ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बस यही लिखना था। आपका फिफ्थ वाले का ऑप्शन जो है करेक्ट वाला वो है 2, क्योंकि वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक, और आपके ये है चार कंपाउंड्स, एरोमेटिक अल्कोहल है बेसिकली, ठीक है? अब एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होता है, जब हम हमें पता है कि बेंजीन इज एरोमेटिक, राइट? तो बेंजीन एरोमेटिक है। अब जिस तरह जब हम एक क्लोरीन को डायरेक्टली अटैच कर देते हैं और फिर बोलते थे कि ये जो हैलाइड है अराइल हैलाइड ये एरोमेटिक है, उसी तरह अगर हम डायरेक्ट OH को बेंजीन के sp2 कार्बन से अटैच कर दे तो वो भी एक एरोमेटिक अल्कोहल होगा, ठीक है? बस यही लॉजिक है इसके पीछे, और कोई लॉजिक है? ठीक है, बस फिर आप कर लो आगे का पार्ट, तो आप कर लोगे ना, यही तो लॉजिक है इसका। नेक्स्ट वन, सेवेंथ क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड बिलो, तो कंपाउंड क्या दिया है, ये CCC, यहां पर एक क्लोरीन दिया है और यहां पर एक OH दिया है, ठीक है? अब मेन चीज तुम्हें क्या डिस्कस करना है कि तुम डिसाइड करना है कि तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा या क्लोरीन होगा, जिसके लिए एक लिस्ट पढ़ी थी आपने GOC में, राइट? जो बताता था कि COOH है, फिर उसके बाद Cl- वो आता है, OH आता है, बीच में एल्डिहाइड आता है, वो वाला जो लिस्ट है, वो लिस्ट अगर आपके दिमाग में है तो आपको पता है कि जो ये OH ग्रुप बनेगा ये बनेगा हमारा फंक्शनल ग्रुप, और ये जो Cl बनेगा ये बेसिकली बनेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ये एक ही फंक्शनल ग्रुप रहता है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, तो फिर आप इससे देख सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप ये है हमारा OH और सब्स्टिट्यूएंट हमारा Cl है। अब नंबरिंग कर लो, तो नंबरिंग के उससे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो और 5 पे क्लोरो है, तो 5 पे क्लोरो हेक्स इन हेक्सेन, 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप OH है, मतलब ऑल लगेगा, 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ओके? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्रेसोल के बारे में, ठीक है? तो क्रेसोल बेसिकली होता है जब टॉलिन प्लस टॉलिन विद एन OH ग्रुप, मतलब ये हमारा टॉलिन है, राइट?
दिस इज टाओलिन। टाओलिन पे अगर एक ओ एच ग्रुप लग जाए, एडिंग ओ एच ग्रुप, तो वो क्या देगा? वो कुछ ये देगा। मान लो ये ओ एच ग्रुप चले जाता है पैरा पोजिशन पे, यहां पर, तो ये क्या है? ये है हमारा ऑर्थो क्रेसोल। क्रेसोल इसको बोलते हैं, और ऑर्थो हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ऑर्थो पोजिशन पे लगा है विथ रिस्पेक्ट टू सी एच थ्री। अब इसी लॉजिक के साथ मेटाक्रेसोल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, तो मेटाक्रेसोल का स्ट्रक्चर होगा बेसिकली टाओलिन, मेटा पोजिशन पे उसका ओ एच होगा, राइट? दिस इज वॉट वी हैव। अब आपको इसका आयुपैक नेम लिखना है, ठीक है? अब आयुपैक नेम लिखने का वापस में एक चीज क्या याद रखनी है, जो हमने पिछले वाले में देखी थी, कि फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा और सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेगा। और जो वो लिस्ट की बात करी थी हमने पिछले ही क्वेश्चन में, तो ओ एच जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ठीक है? और सी एच थ्री जो है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, एज सिंपल एज दैट। अब बेसिकली तुम्हें देखना है कि इसमें नाम क्या होगा तुम्हारा, ओके? अब अगर हम देखाएं तो हम देख सकते हैं इस, ये क्या होगा? ये बेसिकली होगा फिनॉल, है ना? एक कॉमन नेम इसका हो सकता है 3-मिथाइल फिनॉल, ठीक है? 3-मिथाइल फिनॉल एक नाम हो सकता है इसका, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो 3-मिथाइल फिनॉल इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है? क्रेसोल का ये जो स्ट्रक्चर है ये याद कर लेना, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज टाओलिन का स्ट्रक्चर, ऑलराइट? ये भी एक चीज दिमाग में रखनी थी आप, ओके? नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन इज टेलिंग कि वी हैव दिस कंपाउंड CH3CH, CH3OCH3, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है? अब अगर हम देखें तो ये क्या है, आर ओ आर का फॉर्म है, राइट? आर ओ आर डैश, मान लो कि ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स है, जो कि क्या है, ईथर का नोमेनक्लेचर। बेसिकली हमें इस ईथर का नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है? अब ईथर का नोमेनक्लेचर में क्या होता है, हम जो है मेन चेन किसको मानते हैं, जो ज्यादा लंबा होता है, जो कि हमारे केस में क्या है, ये है, ठीक है? तो ये जो है ये है हमारा मेन चेन, ओके? मेन चेन का नंबरिंग अगर हम करें 1, 2, 3, तो 3 पे एक ओ सी एच 3 ग्रुप आ रहा है, राइट? अब ओ सी एच 3 में बेसिकली हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मेथॉक्सी, ठीक है? मेथॉक्सी। तो हमारे 2 पोजीशन पे मेथॉक्सी है, और ये क्या है, ये प्रॉपर एक प्रोपेन है। सो इसका आयुपैक नेम होगा 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, ऑल राइट? ओके ओके। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है? तो अब जब हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं कि या वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है, तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि हम देखते हैं उसका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस। यानी कि मान लो हमारे पास कोई एच सी एल है, ठीक है? हम बताएंगे एच सी एल का स्ट्रेंथ, जो हमारा ये कॉन्जुगेट बेस आ रहा है उसके हिसाब से बताएंगे, राइट? वही लॉजिक हमें यहां पर भी करना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, 10th क्वेश्चन में हम बेसिकली ये करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो सारे चीजें, ये कॉन्जुगेट बेस है, राइट? सबसे वीक जो होगा उसका एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ठीक है? वीकेस्ट एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, एज सिंपल एज दैट। वीकेस्ट एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल, इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वो जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है, ओके? अब अगर हम देखें,
ठीक है, अब अगर हम देखें तो मान लो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम OH-, इसका रिस्पेक्टिव जो भी एसिड होगा वो होगा RO-, जो कि ये होगा इज RO-+H+। ठीक है, अब दूसरा वाला भी अगर हम देखें ROR, जो कि वापस यही देगा R+ONOR-, या RO-NOR+R+, एक ही चीज है। ठीक है, अब अगर हम देखें, ठीक है, OC6H5-, तो ये क्या देगा, एक H लगा लो, OH C6H5, जो कि मेरे को क्या देगा, C6H5O-+H+। ठीक है, अभी हम खाली इसके आयोनिक इक्वेशंस लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो OH NO2 पैरा पे है, तो पैरा लिख दूंगा मैं यहाँ। ओके, तो क्या होगा, अब ये बन जाएगा OH NO2, सॉरी ये मेटा पोजिशन होता है, पैरा नहीं होता है। बेसिकली ये मेरे को वापस देगा O, या ये इनके आयोनिक इक्वेशन होते हैं। तुम देख सकते हैं हमने वापस वही सब चीजें लिख दी हैं पूरा फिर से, मतलब ये सब, बट यू गेट द पॉइंट। ठीक है, हम बेसिकली एच को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि जो स्टेबिलिटी है किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब हमें देखना है कि इन सब में ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, एज सिंपल एज दैट। और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का लॉजिक क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। ओके, तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम की चीजें थे, और हमने यहां पर ये देख लिए थे कि ये जो सारी चीजें हैं हमें चेक करना है इनका स्टेबिलिटी, क्योंकि अब लॉजिक सुनो, अब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। जो लीस्ट एसिडिक है वो क्या होगा, वो लीस्ट, ठीक है, बचा ऊपर और नीचे के उसमें, तो ऊपर और नीचे के उसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो आर ओ है वो ज्यादा अनस्टेबल रहता है। आर ओ आर वाला जो चीज है, राइट, आर ओ आर, वहां पर अगर मान लो ये आर अगर कुछ ऐसा हो गया तो रेजोनेंस तो पॉसिबल है, राइट, लेकिन क्या एच के साथ वो पॉसिबिलिटी है, आर ओ एच नो रेजोनेंस पॉसिबिलिटी, नो रेजोनेंस पॉसिबिलिटी। तो अपने आप ही जो OH- है वो वीक एसिड बन गया, तो OH- इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ROH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और उसी के साथ अगर हम देखें जो ये OR ब्रेकिन होगा वो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ओके, सो इस वाले पे आपका सेकेंड वाला वो चीज करेक्ट है। ठीक है, वापस बोलता हूँ, लॉजिक बेसिकली ये है, वीक एसिड के पास होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड के पास होता है वीक कॉन्जुगेट बेस। अब हमें देखना है कि इनमें से कॉन्जुगेट बेस जो है, ये है हमारे कॉन्जुगेट बेस, इनमें से स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा कौन है, या फिर दूसरा तरीका है ये देखने का, मतलब यही वही है बट इजियर वे में लगता है मेरे को ये, जो कि है का हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी देख लो, और जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना ज्यादा एसिडिक मतलब उतना कम बेसिक, वेरी सिंपल लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट वाला, फिर आते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। ओके, तो 11th क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, बेसिकली हम बोल रहे हैं हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ थोड़ा सा पानी के प्रेजेंस में, तो ये क्या देगा, ये क्या देगा, बेसिकली ये जानना है हमें। ओके, तो हमें पता है जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं पानी के प्रेजेंस में तो क्या होता है, वो एक हाइड्रोजन लूज करता है। ठीक है, अब तो बेसिकली वो क्या बनाता है, एक अपना कॉन्जुगेट बेस बना देता है, कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड इन दिस केस। ठीक है,
अब तुम्हें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट में देखना है टू फाइंड विच विल रिएक्ट चेक स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा इन सभी में वो चीज हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो है C6H5 बेंजीन O माइनस के साथ, दूसरा वाला है ये CH2 माइनस के साथ, ओ CH2 के बाद ओ लगेगा माइनस के साथ, तीसरा वाला बेसिकली ये है ओ माइनस के साथ, ओ माइनस के साथ। और क्लियरली हमें दिख रहा है कि दिस ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, 1 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट हमें जानना है फिनॉल इज लेस एसिडिक देन व्हाट, मतलब हमें देखना है इन सभी में फिनॉल का ये जो आयन है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, जब हम फिनॉल से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो हम इसको बोल देते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन है। अब तुम्हें देखना है कि इससे क्या ज्यादा स्टेबल होगा, तो एक लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस रिड्यूसेस चार्ज देयरफॉर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के भी तीन केसेस हैं। ठीक है, और वो हम अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर लेंगे एक ही डायग्राम में। तो ये मेरा फिनोक्साइड आयन है, एक पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारे ऑर्थो पोजिशन पे हो, एक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारे मेटा पोजिशन पे हो, और एक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारे पैरा पोजिशन पे हो। नाउ वी हैव टू सी विच इज स्टेबल। ठीक है, दिस इज ऑर्थो, मेटा, पैरा, एंड आउट ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें है ये चेक करना है हमें। ठीक है, अब अगर हम इसका लॉजिक लॉजिक वाइज इसको देखें, ठीक है, अब अगर हम बोले कि ऑर्थो या फिनाइल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अब ऑप्शंस एक बार देख लो, तो ऑप्शन में देखो एक है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मिथाइल होता है CH3 वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मीथॉक्सी होता है एक्चुअली OCH3 होता है, बट जब ये पैरा पोजिशन और ऑर्थो पे रहता है तो ये क्या होता है दैट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्ट होता है वो, और एथेनॉल तो कुछ है नहीं उसमें। तो अगर हम इसी लॉजिक से जाए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से, तो हम इस दोनों को काट सकते हैं, एथेनॉल कभी केस में था नहीं और अपने आप ही नाइट्रो ग्रुप आ जाता है इधर। ओके, अब अगर हम देखें तो इसके साथ क्या होगा, जो हमारा फिनॉल है फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, बेसिकली मैं बोल रहा हूं जो ये है स्टेबिलिटी एस इसकी वो कम है स्टेबिलिटी इससे, मतलब दिस इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है, ओके, तो ऑर्थो फिनॉल नाइट्रो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन है वो नंबर 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही लॉजिक के साथ हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13 को, जो कि बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक, बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सिनॉल, पीनॉल या मेटाक्लोरोफिनॉल। ठीक है, अब वापस तुम्हें देखना है कि कहां पर क्या वो होता है, स्ट्रक्चर बनाना है और देखना है। ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो हमने पहले क्वेश्चन में बेंजाइल अल्कोहल का ही स्ट्रक्चर बना रखा था। ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल का तो स्ट्रक्चर ये है।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। बेंजाइल अल्कोहल दैट इज दिस CH2OH, ओके, साइक्लोहेक्सेनॉल OH, पीनॉल OH बेंजीन रिंग के साथ, मेटाक्लोरोफिनॉल, तो मेटा पे इस बार क्लोरो होगा, तुम्हें देखना है। ठीक है, अब यहां देखो, ये तो है ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। रेजोनेंस, रेजोनेंस पॉसिबल है तो इन दोनों में पॉसिबल है, तो इन दोनों का अगर हम कॉन्जुगेट बेस बना दें, यानी कि हाइड्रोजन निकाल के माइनस चार्ज लगा दें इसमें, ठीक है, ओ माइनस सीएल है। अब सीएल का है, सीएल क्या है, वो एक माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मेटा पे तो वो कुछ प्लस आर या माइनस आर नहीं दिखा रहा, खाली माइनस आई दिखा रहा है, मतलब कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब दिस इज मोर स्टेबल। अब क्योंकि ये चीज ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, तो आपके 13th वाले का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब इसी लॉजिक के साथ हमें बेसिकली करना है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बोल रहा है मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, ऑफ द डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स। अब बेसिकली तुम्हें वही चीज फिर से करनी है, फिनोक्साइड आयन बनाना है तुम्हारे को, और उसी के साथ तुम्हें चेक करना है फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब तुम बेसिकली क्या करोगे, सॉरी, अब तुम बेसिकली चेक करोगे फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, और अगर मेरे को वो मिल जाएगी, मैं इस उसमें लिखूं कैसे, ओके, मेरे को वो ऑप्शन अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मान लो तुम्हारा ये यहाँ पर एक एच जा रहा है, ठीक है, हर उससे मान लो एक एच जा रहा है, अच्छा मैं बना ही देता हूँ इसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये मेरा ई है, ये मेरा बी है, ठीक है, ये मेरा सी बनेगा, ये मेरा डी बनेगा, और फाइनली ये जो है ये मेरा ई बनेगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा अगर जूम आउट कर ले, ठीक है, ये रहे मेरे सारे के सारे, ठीक है, अब मेरे को डिस्कस करना है कि इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम, हमें पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के अगर बारे में हम बात करें, तो यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये है। अब हमें बेसिकली देखना है, देखो क्या होगा, बी डी टाइप होगा, ए होगा, ए सी होगा, ये तो पता है, ठीक है, तो ऑर्डर कुछ हो सकता है बी कॉमा डी, ऑफ कोर्स ए से ज्यादा होगा और वो सी कॉमा ई टाइप से ज्यादा होगा। अब हमें देखना है इन दोनों के बीच में ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये देखो, ये अटैच्ड है पैरा पोजिशन पे, ये अटैच्ड है मेटा पोजिशन पे। अब पैरा में फील ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मेटा के कंपेयर टू, क्योंकि हमारा जो OH है ना, उस वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर टाइप ग्रुप है। अब अगर क्योंकि वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है, तो वो पैरा और ऑर्थो पे पोजिशन उसका ज्यादा इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, ठीक है, मेटा पे उतना नहीं होगा। तो यहां से हमें पता चल गया बी इज ग्रेटर देन डी, और इसी लॉजिक के साथ हमें ये पता चल गया कि यहां पर ये ज्यादा डोनेट करेगा और ये कम डोनेट करेगा, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन डी इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसी टर्म में इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ सी इज ग्रेटर देन ई, तो फाइनल ऑर्डर जो है बनेगा, बनेगा बी इज ग्रेटर देन डी, दैट इज ग्रेटर देन ए, दैट इज ग्रेटर देन सी एंड दैट इज ग्रेटर देन ई, ओके, सो दैट विल बी दिस ऑप्शन विच इज करेक्टली ऑप्शन नंबर 2, ओके।
अब हम आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पे, जो कि बोल रहा है मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद HBr/HCl। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो बेसिकली, तुम ये तीन कंपाउंड्स ले रहे हो, तुम उसे रिएक्ट करवा रहे हो HBr HCl। ओके, अब HBr अगर यूज करे या HCl यूज करे तो याद करो ये क्या होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व मार्क, दिस इज मार्कोव निकोस प्रोसेस, दिस इज मार्कोव निकोस प्रोसेस। अब अगर ये मार्कोव निकोस प्रोसेस है, इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कार्बो कैटायन मैकेनिज्म इज फॉलोड। ओके, कार्बो कैटायन मैकेनिज्म इज फॉलोड व्हेनेवर हमारा OH हट जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकली व्हाट वी आर वर्किंग विद इज बेसिकली ये CH2+। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें CH2+, यहां NO2 आ रहा है। सिमिलरली बेंजीन CH2+, यहां पर आ रहा है Cl। ओके, अब तुम्हें बेसिकली इनमें ऑर्डर लिखना है तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बी बोल रहा है, ये ए है और ये सी है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में यहां देखो, अब ये क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, प्लस चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा खींच देगा तो प्लस चार्ज का स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसमें। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स और खींच रहे तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्लियरली ए हाईएस्ट है। ठीक है, मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो रूल्ड आउट हो गए। अब हमें देखना है बी या सी लोएस्ट होगा। तो अगर हम देखें NO2 का स्ट्रेंथ जो है ये क्या है, ये -I -R है। ठीक है, -I -R ग्रुप है हमारा NO2, और उसी तरह अगर हम Cl का देखें तो ये -I +R ग्रुप है। ठीक है, ये -I +R ग्रुप है। अब -I -R ज्यादा खींचेगा कंपेयर टू -I और +R, राइट, मतलब B सबसे कम है और C बीच में आ गया। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, और हमने हैलो एल्कीन्स हैलोरीन्स में ये बात अच्छे से समझ ली थी कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बड़े कंपाउंड्स में ज्यादा सरफेस होता है तो वो कायदे से समवॉट इज प्रेजेंट डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, राइट, मॉलिक्यूलर मास से वो कभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है। ठीक है, तो देखो इस लॉजिक से तो हमें पता ये चल गया कि क्या है, प्रोपेनॉल होगा, क्योंकि हमारे पास देखो प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल है और ब्यूटेनॉल में ब्रांचिंग है। ठीक है, प्रोपेनॉल होगा, फिर होगा ब्यूटेनॉल और फिर होगा पेंटेनॉल। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन 1 होगा या तो ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 तो वो पक्का नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ब्यूटेन में, ब्यूटेन 2 ऑल और ब्यूटेन 1 ऑल में देखेंगे। तो ब्यूटेन 2 ऑल बेसिकली है ये, और ब्यूटेन 1 ऑल इज बेसिकली दिस। ओके, दैट इज ब्यूटेन 2 ऑल एंड दैट इज ब्यूटेन 1 ऑल, मेक्स कंप्लीट सेंस। अब ब्यूटेन 2 ऑल का अगर हम देखें तो ब्यूटेन 2 ऑल में ब्रांचिंग थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू ब्यूटेन 1 ऑल, और अगर हम ऊपर वाले लॉजिक अभी लगाए तो ब्रांचिंग ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ब्यूटेन 2 ऑल जो है वो कम रहेगा, राइट, प्रोपर। तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉजिक फाइनल वो हो जाएगा, ये होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट का लॉजिक। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा
वन ऑल, ब्यूटन टू ऑल, ब्यूटन वन ऑल, पेंटेनॉल, पेंटेन वन ऑल जो भी है, ठीक है, इट इज एक्चुअली द सेम। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर वन। अब इसी के साथ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप वन के खत्म कर दिए हैं। अब हम टाइप टू के क्वेश्चन करेंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर हम देखें 5 क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो हम बहुत आराम से ये वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाला ये। ऑल राइट, नाउ हम देखते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये बोल रहा है नोट में कि देर आर टू और मोर ऑप्शंस करेक्ट, हाउ जो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। 17th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, तो 17th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट आर सी एच ओ, यानी कि एक एल्डिहाइड इन टू एंड आर सी एच टू ओ एच। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं और आज के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे देखें, तो 4th क्वेश्चन में हमने एक चीज डिस्कस करी थी जो कि था ये, ठीक है, ये चीज थी। ओके, तो यहां पर हमने बेसिकली डिस्कस ये किया था कि जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो एक एल्डिहाइड देगा, ठीक है, और जब हम एक 1 डिग्री अल्कोहल को पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो एक एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइज करेंगे वो एक कीटोन देगा, और 4 वो एक एसिड देगा। अब ऑक्सीडेशन का उल्टा प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है, राइट। तो अगर हम देखें, अगर हम, ठीक है, अब मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, मैं इसको लिख दूंगा इधर ही इसके साथ। अब अगर मैं इस चीज को रिडक्शन करूंगा तो एल्डिहाइड मेरा अल्कोहल बन जाएगा। उसी लॉजिक से अगर मैं हमारे कीटोन्स को रिड्यूस करूंगा तो मेरा कीटोन जो है अल्कोहल बन जाएगा, और सेम लॉजिक टू बी ऑनेस्ट यहां पर भी चलता है, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें ढूंढना है रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स का लिस्ट अगर आपको पता नहीं है तो H2PD कैटालिटिक रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन एडिशन होता है, LiAl(H4) भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और NaBH4 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूं कि जो हमारा 17th क्वेश्चन है, इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन, इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का लॉजिक ढूंढना है हमें। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स H2PD, LiAl(H4) एंड NaBH4 होते हैं, और ये तुम्हें याद रखना है, ये दीज आर इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स है तो तुम्हें ये याद रखना है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन पे आते हैं, तो दैट इज अ रिएक्शन क्वेश्चन, और बेसिकली वो हमसे ये पूछ रहे हैं 18th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गिव मी एंड पिनॉल, ठीक है, पिनॉल का जो वो चाहिए हमें बेसिकली वो करना है। तो अगर हम बेसिकली पहला क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बेसिकली हम यूज कर रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड को, ठीक है, हम NaOH के साथ 300 एटमोसफियर में उसको फ्यूज कर रहे हैं और फिर हम वाटर डाल रहे हैं। तो जिन लोगों को ये नहीं पता है, तो दिस इज एक्चुअली डव्स प्रोसेस, ठीक है, जो पहला रिएक्शन है वो होता है डव्स प्रोसेस, NCERT में भी शायद इसको डिस्कस किया है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, हम अपने क्लोराइड को लेते हैं 623 केल्विन और 300 ATM के प्रेशर पे हम बेसिकली उसको NaOH के साथ फ्यूज करते हैं, और वो मेरे को बेसिकली देते हैं ये, ठीक है। फिर हमें ये जो चीज मिली है ना, हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं जो कि ये वाला प्रोसेस, और वो बेसिकली Na जो है वो फिनॉल बन जाता है। दिस इज डव्स प्रोसेस एंड दिस इज डिस्कस्ड इन NCERT। ओके, तो बस तुम्हें ये देखना है डव्स प्रोसेस वाला पर वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर वन तो दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस अगर हम देखें सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला पहले हमने पढ़ा था, ये हमने हैलोएल्कीन्स और हैलोरीन्स में भी देखा था। जब हम एक अमाइन लेते हैं, ओ सॉरी ये तो कुछ और ही मिल गया,
जब हम एक अमाइन लेते हैं और हम उसमें NaNO2/HCl डाल देते हैं, ठीक है, जब हम NaNO2 और HCl डालते हैं तो ये डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, ठीक है, जो कि बेसिकली ये N+Cl- है, दिस इज अ डायजोनियम सॉल्ट। अब क्या है, डायजोनियम सॉल्ट में क्या कर रहे हो तुम, वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक है, और जब तुम वाटर ऐड करते हो ना डायजोनियम सॉल्ट में, तो क्या होता है, यहाँ पर OH आ जाता है इस पर, ओके, प्लस N2 और जो भी उसके बाय प्रोडक्ट्स आते हैं वो होता है। थर्ड वाला अगर हम रिएक्शन देखें, ठीक है, थर्ड वाला अगर हम रिएक्शन देखें तो क्या होता है कि हम बेसिकली ओलियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना, ओलियम इज H2S2O7, राइट। तो जब भी तुम ओलियम डालो, ठीक है, ओलियम में इट गिव्स SO3H, ये आता है हमारा, ठीक है। तो पहला जो रिएक्शन है, पहले रिएक्शन में हम अगर ले बेंजीन को जो कि दिया है, उसमें हम डाल दे ओलियम, तो वो मेरे को देता है बेंजीन विथ SO3H सब्स्टिट्यूटेड ओवर देयर। अब SO3H पे जब तुम हीट करो और उस पे H+ डालो, यू NaOH डाल रहे हो और उस पे H+ डालो, तो वो बेसिकली देता है मेरे को एक OH, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शंस में फिनॉल्स बन रहा है, ठीक है। और अगर हम फोर्थ वाले रिएक्शन के बारे में बात करें, 298 केल्विन और 1 में रिएक्शन डज नॉट अकर, किल, ये ही है लॉजिक, यही है कि ये रिएक्शन होता ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर पे, ठीक है, रिएक्शन डज नॉट अकर। तो क्लियरली फिनॉल बन रहा है हमारे थर्ड वाले ऑप्शन में, हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में, हमारे फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो इस लॉजिक के साथ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2, 3, ठीक है। अब बेसिकली वो फिर से पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या क्या है 19th वाले में, और हमने बेसिकली मेन तो डिस्कस कर लिया था, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट हमने डिस्कस कर लिया था जब हमने एक मल्टीपल चॉइस टाइप 1 के करे थे, ठीक है। अब उन दोनों में अगर मैं देख लूं, पहला वाला इसमें और आगे में KMnO4 अभी भी नहीं है, बाकी के दो कॉपर एट 573 केल्विन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का तो हमने देखा था। तो 19th वाला जो है 1, 3 और 4 है, ओके, 20 20 बोल रहा है, फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एथेनॉल। अच्छा, तुम्हारे पास फिनॉल है, ओके, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा खोल के बना देते हैं ऐसे, और तुम्हारे पास है एथेनॉल। अब तुम्हें बेसिकली देखना है कि तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो। देखो, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, मतलब सॉरी, ब्राउन वो ब्रोमिन वाटर टेस्ट होता है, जो बेसिकली उसमें क्या होता है कि ब्रोमिन आके हमारे डबल बॉन्ड वाले उसमें लग जाता है, ठीक है। और लॉजिक ये था कि Br2 के पास एक ऑरेंजिश कलर है, और क्योंकि फिर वो रिएक्शन में आके अनसैचुरेशन की जगह पे लग जाता है, तो फिर वो बेसिकली है, तो वो हमने देखा था अनसैचुरेशन का एक टेस्ट, तो अनसैचुरेशन का ये भी एक टेस्ट है, ओके। तो पहला वाला देगा, दूसरा वाला हमें क्या देगा, दूसरा वाला जो हमने देखा है वो होगा न्यूट्रल FeCl3 के साथ, क्योंकि न्यूट्रल FeCl3 के साथ क्या होता है, फिनॉल एक वो बना देता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है जो कि पर्पल कलर देता है, ठीक है, विथ FeCl3 न्यूट्रल फिनॉल गिव्स अ कॉम्प्लेक्स पिंक कलर या पर्पल कलर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से होता है। ये फिनॉल्स का एक टेस्ट होता है, दैट इज अ टेस्ट फॉर फिनॉल्स। अब क्योंकि यहां पर हम एक फिनॉल यूज कर रहे हैं, तो वो टेस्ट भी कंप्लीटली वैलिड टेस्ट है।
तो थर्ड वाला है, तो दैट इज योर 20th क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि देखो, बेंजाइलिक एसिड्स एसिड क्या होते हैं? बेंजाइलिक एसिड वो एसिड होते हैं जो बेंजीन होता है, ठीक है, बेंजीन होता है, बेंजीन में बीच में एक CH2 आ जाता है और फिर एक OH आ जाता है, ठीक है। ऐसे एसिड्स को, ठीक है, अब वो देखो CH2 हो सकता है, अब CR भी हो सकता है, तो C डाल रहा हूं मैं खाली, ठीक है, यहां कुछ भी हो सकता है। ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं बेंजाइलिक एसिड। अब इसी लॉजिक के साथ अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बस लॉजिक यही है कि बेंजाइलिक एसिड में बीच में एक कार्बन आ जाता है OH और बेंजीन के बीच में। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमने मल्टीपल चॉइस जो है टाइप 2 भी खत्म कर दिया है। अब हम जो शॉर्ट आंसर टाइप है ना, शॉर्ट आंसर टाइप हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड फिर आगे का देखते हैं हम कि कितना उस लेक्चर में कंप्लीट कर पाते हैं। ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, थैंक यू।